नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूँ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी जानकारी लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है और राकेश झुनझुनवाला जी की काफ़ी फेवरेट शेयर है, जिसमें कल के डेट में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BIP इंडस्ट्री की। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल के डेट में इन्होंने अपना स्टेक इसमें और बढ़ाया हुआ है, जिससे ये इस शेयर में कल के डेट में लगभग 10% की रैली आपको देखने को मिली है, और जो कि राकेश झुनझुनवाला जी का काफ़ी फेवरेट शेयर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इन्होंने हाई किया हुआ है अपना स्टेक, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए, जिस हिसाब से कल इस शेयर में आपको काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने कितना स्टेक बढ़ाया हुआ है और क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हम देख लेते हैं, कल की डेट की हम बात करें तो काफ़ी देख लिए, आपको दिखा देता हूँ। आफ्टर राकेश झुनझुनवाला इंक्रीज स्टेक इन द कंपनी टू 5.31%, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने अपना इंक्रीजमेंट किया हुआ है। तो जिस हिसाब से इस शेयर में काफ़ी बड़ी रैली आपको देखने को मिली है, तो हम बात कर लेते हैं कि कितने शेयर की इन्होंने इंक्रीजमेंट की है। तो जिस हिसाब से मैं आपको दिखा दे रहा है कि आप देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल गई है इस इंडस्ट्री में। और आपको बता दूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ट्रैवल से रिलेटेड, बैग से रिलेटेड काम करती है। आपको दिखा भी दे रहा कि आप देख सकते हैं जिस हिसाब से इस कंपनी के बारे में। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ, तो आप देख लीजिए कि ये इंडियन कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज़ के, यानी कि जो भी इसके बैग्स वगैरह आप देखे होंगे, जो कि आपको नॉर्मली हर किसी के पास दिख जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, काफ़ी अच्छे बैग्स इनके होते हैं। अब देखिए, एशिया लार्जेस्ट लगेज मेकर, मतलब पूरे एशिया में काफ़ी बड़ा लगेज इनका इंडस्ट्री है और बनाने का, जो कि काफ़ी बड़ी है। हेडक्वार्टर इनकी मुंबई में है। एम्प्लॉइज़ की बात करें तो 1645 एम्प्लॉइज़ इनके यहाँ काम करते हैं। तो दोस्तों, कभी छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि 1645 एम्प्लॉई इनके यहाँ काम करते हैं। 1971 में ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी, फाउंडेड हुई थी। तो चलिए इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी कल के डेट में जैसे ही राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना स्टेक बढ़ाया, ये कंपनी आपको रॉकेट बनती हुई दिखी थी और लगभग ये 6-7% से ऊपर की कल ग्रोथ दिखाया था। उसके बाद से थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा करेक्ट हुआ। उसके बाद अब मैं आपको दिखा दे रहा कि किस हिसाब से इसमें आपको ग्रोथ दिखी थी। तो आप देखिए, ये आपको लगभग 232 रुपये के आसपास तक जाता हुआ दिखा था, जो कि अगर ग्रोथ देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। तो उसके बाद से फिर थोड़ा ये करेक्ट हुआ और फिर जाके इसने अपने प्राइस को मेंशन किया और काफ़ी, मतलब कि सही लेवल पे आ गया। तो अगर इसके ओपन की हम बात कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल के डेट में ये कहाँ ओपन हुआ था। तो इसकी में ओपन की बात करिए, तो ये कल 219 रुपये 80 पैसे पे ओपन हुआ था और हाई इसने लगभग 234 रुपये बनाया। दोस्तों, आप देख रहे हैं 219 रुपये 75 पैसे इसका लो था, यानी जहां ओपन हुआ था वही इसका लगभग लो भी था। और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 31.71 बिलियन है, जो कि स्मॉल कैप में आता है। अगर PE की बात करें तो 24.88, जो कि इसका PE है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी 2.32%, जो कि स्मॉल कैप होने के बाद भी इतना डिविडेंड दे रही है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। अगर प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 213 रुपये पे ये क्लोज हुआ था, यानी कि अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 213 पे ये क्लोज हुआ था और ये ओपन हुआ 219 पे। देखिए दोस्तों, काफ़ी, मतलब कि लगभग अप पे जाके ये ओपन हुआ। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 519 इसका 52 वीक हाई है और इस टाइम इसकी प्राइस चली है 225 रुपये के आसपास, यानी कि लगभग 50% से भी कम, 50% से ज़्यादा की करेक्शन हो चुकी है इसमें। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है दोस्तों। और अगर 52 वीक लो की बात करें तो 187 रुपये, और जो
225 रुपये, यानी कि उसके आसपास ही थोड़ा ट्रेड कर रहा है ये इस टाइम। चलिए इसके हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, फास्ट में इसके रिटर्न देख लेते हैं कि क्या रिटर्न रहा है। तो पिछले 5 दिनों का हम देख लेते हैं क्या रहा है। तो पिछले 5 दिनों में दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा जो रिटर्न इनका रहा है, तो आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, लगभग लगभग फ्लैट ही है, 0.20%। तो बहुत ज़्यादा अभी तक ये भागा नहीं है 5 दिनों में। अगर 1 महीने की हम बात करते हैं तो 1 महीने में ये नेगेटिव रिटर्न के साथ चल रहा है, और जिस हिसाब से मार्केट करेक्ट हो रहा है तो ये भी करेक्ट हुआ है लगभग 6-6.5% के आसपास तक का। अगर हम 6 महीने की हम बात करते हैं इसमें, तो 6 महीने में भी ये करेक्शन इसमें दिख रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप बहुत जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से गिरता भी है। देखिए 49% के आसपास तक का करेक्शन इसमें आ चुका है पिछले 6 महीने में। अगर हम सिर्फ 2020 के स्टार्टिंग की बात करते हैं, यानी कि जनवरी 2 से लेकर अभी तक का, तो इसमें आप देख सकते हैं 47-48% का लगभग इसमें नेगेटिव रिटर्न है, जो कि करेक्ट हो चुका है मार्केट से। अगर पिछले ईयर से हम आप देख लेते हैं कि एक साल में कितना करेक्शन हुआ है इसमें, तो एक साल में भी आप देख लीजिए 47% के आसपास करेक्ट हो चुका है। और पिछले 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न है, लगभग 135% का रिटर्न है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोस्तों, जिस हिसाब से स्मॉल कैप है। और राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी बड़े लोग हैं और काफ़ी कुछ सोच समझ के अपनी स्टडी करके ही उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया होगा। और पिछले मैक्सिमम की बात करें तो 4,675 दोस्तों, काफ़ी बड़ी मल्टीबैगर कंपनी है, इस हिसाब से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत रिटर्न जनरेट करके आप लोगों को दे सकता है, हो सकता है इसीलिए उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हो। तो दोस्तों इस पर आप अपनी स्टडी करिए और इस पर अपना नज़र बनाए रखिए, जैसे ही आपको मौका मिलता है, हो सकता है मार्केट और करेक्ट हो तो ये आपको और डीप में मिल सकता है, तो उसके बाद इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और मार्केट अभी भी अपने 9,000 के ऊपर ही चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट अभी और करेक्ट हो, क्योंकि जैसे ही मार्केट जिस हिसाब से सब कुछ सही नहीं हो रहा है और जिस हिसाब से कोरोना वायरस के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट करेक्ट होना अभी बाकी है। हाँ, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसे कि IRCTC की कुछ ट्रेनें चलने लगी हैं आज से, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो उस कारण से कल के डेट में आपको IRCTC अपर सर्किट पे देखने को मिला था, 5% का अपर सर्किट स्टार्टिंग से ही लग गया था, और जैसे ही से मार्केट ओपन हुआ तब से ही अपर सर्किट पे लगा और पूरे लास्ट तक हो गया था। हो सकता है आज के डेट में भी अपर सर्किट पे ही आपको देखने को मिले, तो उस पर भी आप नज़र बनाए रखिए, और जैसे ही आपको डीप पे मिलता है तब आप खरीदिए। और जिस हिसाब से अगर उसमें आप देखें कि क्या टारगेट होना चाहिए आपको एंट्री का, तो आप उसमें 1200-1250 के आसपास एंट्री कर सकते हैं, बहुत बुरा शेयर नहीं है। अगर उसके नीचे भी आपको इन फ्यूचर गिरता है तो ज़रूर उसमें आप बाइंग कीजिए और एवरेज कीजिए, काफ़ी स्ट्रांग वो भी शेयर है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।